हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो गाइस, अभी तो मैं जा रहा हूँ नहाने, पहले नहा के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। पहले नहाया हूँ, ये तो केवल मेरा एक छोटा सा इंट्रो था। सो गाइस, नहा लिया हूँ, नहाने के बाद राखी बंधवा ली है मैंने, मगर मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई खुद की बहन नहीं है सगी। तो अभी जो मैंने राखी बंधवाई है, ये बंधवाई है मैंने अपनी बुआ जी से। मेरी बुआ जी आई हुई हैं, तो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई ना, चलो ठीक है, अभी आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो मैंने अपनी बुआ जी से राखी बंधवाई, मेरी कोई बहन नहीं है, तो अभी घर में सभी ने राखी बंधवा ली है। और तो अभी मैं जाऊंगा फिलहाल मम्मी को लेके डॉक्टर के पास, और उसके बाद आराध्या का एक छोटा सा स्कूटर है वो टूट गया है, तो वो भी मुझे आज अगर देखता हूँ उस पर बेल्ट वगैरह होके सही हो गया तो ठीक है, वरना उसको उठा के रख देंगे ऐसे ही। लेकिन वैसे ट्राई करूँगा कि उस पर बेल्ट हो जाए, और बेल्ट होने के बाद वो ठीक हो जाए। तो अभी पहले मम्मी को जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास लेके, पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लो राखी बंधवाने वाली। तो गाइस, अभी मम्मी को ले गए, और मम्मी को थोड़ी सी सांस से प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से अभी मम्मी को इंजेक्शन दे रहे हैं, और फिर दवाई दिलानी है, उसके बाद जाना है। जाने के बाद फिर मुझे स्कूटर सही कराना है आराध्या का, तो पहले हम करा लेते हैं। मम्मी को लग रही है सुई इंजेक्शन से, मम्मी हमारी बहुत डरती हैं, लेकिन मजबूरी में लगवाने पड़ते हैं ये। सो गाइस, मम्मी को दवा दिला के ले आया था डॉक्टर से, उसके बाद मैं सो गया था थोड़ी देर, एक दो घंटा सोया था। उसके बाद अब टाइम हो गया है जिम का, शाम के बज गए हैं 4, और मैंने आपको बताया था सुबह का स्कूटर टूट गया है आराध्या का, तो वो ये रहा स्कूटर, और ये इस तरह से कुछ टूट गया है। और टूटने के बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पर कुछ वेल्डिंग वगैरह करा दूँ, लेकिन मम्मी मना कर रही है कि यहाँ से वेल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की सी, एक बहुत हल्का सा लोहे टाइप में है, तो इसलिए वेल्ड नहीं हो सकता। ये हो गया है बिल्कुल बेकार, तो इसे उठा के रख देंगे हम साइड में। एक और चीज़ जो आज ख़राब हो गई है वो है हमारा तूफान पंखा, और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि उसकी अचानक से ही चलते चलते ही जो पंखड़ी होती है अंदर की, वो अचानक से टूट गई थी, तो वो भी मुझे लेके आनी है। ये तो खैर मैं उठा के अब साइड में रख दूंगा, ये तो खैर टूट ही गया, या तो आराध्य को नया लेके आऊँगा। वैसे इसको इतना चलाती नहीं थी, लेकिन अगर ज़्यादा जिद करेगी तो इसके लिए एक नया ला देंगे। तो अभी पहले अभी चलते हैं, पहले मार्केट जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। अभी पहले पहले मैं आपको वो वाला पंखा दिखा दूँ जो आज टूटा है, उसकी मुझे पंखड़ी लेके आनी है। सो गाइस, ये रहा वो पंखा जिसकी पंखड़ी टूट गई है, दो पंखड़ी ये तो बच गई हैं, एक टूट गई है, तो ये अचानक से जाल ऐसे हिलने लगा था, और हिलते हिलते अचानक से पंखड़ी जो टूट गई है। अभी चलते हैं मार्केट, ये काम और मतलब खर्चे का, ये तो बजट वैसे ही मतलब कम है, और ऊपर से ये खर्चा और बढ़ता जाता है, तो अभी इसको भी लेके आएंगे पंखड़ी, ये वाले मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ से मार्केट से, इसी के साइज़ की पंखड़ी मैं वहाँ से ले आऊँगा। तो चलते हैं पहले सीधे फटाफट मार्केट। प्रिंस ले रहे हैं अभी माय फिटनेस का एक पीनट बटर, और डाइट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अब की बार। प्रिंस को बॉडी बनानी है बहुत ज़्यादा, प्रिंस और मुझे दोनों को मेहनत करनी है। मैं और प्रिंस दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही साथ के साथ लगा रहे हैं प्रोटीन और ये सब चीज़ें ले रहे हैं, मतलब कुल मिला के डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। और ये वाला पीनट बटर माई फिटनेस का अभी ले लिया है इन्होंने। सो गाइस, अभी फाइनली आ गए जिम के अंदर, और पहले कर लेते हैं वर्कआउट, और वर्कआउट करने के बाद जाएंगे पंखा की पंखड़ी लेने, और भी कुछ एक दो सामान है वो लेके आना है। पहले वर्कआउट कर लेते हैं, आज थोड़ी थोड़ी सी ऐसी हो गई है, थोड़ी ठंडी सी पड़ी हुई है, क्या आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद आज पूरे दिन मतलब ऐसा घूमने फिरने में निकल गया, थोड़ी बहुत देर सो लिए, तो सोने के बाद तो बॉडी ऐसी हो जाती है बिल्कुल
ठंडी पड़ जाती है, तो अभी पहले वर्कआउट कर लेते हैं। सो गाइस अभी फाइनली जिम करने के बाद आया हूँ मैं यहाँ शॉप पे, और यहाँ से लेता हूँ अपनी इस वाली ये पंखड़ी मैंने बताई थी, ये टूट गई थी इसी के लिए मैं ले रहा हूँ ये वाली पंखड़ी मैंने ले ली है, और ये अब की बार ब्लैक कलर की है, तो कलर इतना मैटर नहीं करता ज़्यादा। अभी ले जाने घर ले जाने के बाद अभी उस पंखा में दोबारा कसनी पड़ेंगी, और कसने के बाद ये काम का कि एक फालतू हुआ झंझट, एक काम नया मतलब एक और नया काम हो गया, तभी इनको भैया को पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने भैया एक मिनट अभी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद चलते हैं सीधे घर, और शाम के ऊपर हैं 7:30 बजने वाले हैं, और मौसम तो ऐसे ही हो रहा है थोड़ा सा ख़राब सही। अभी चलिए चलते हैं घर जाके और देखते हैं, बुआ जी आई हैं तो उनके पास भी ज़्यादा बैठा नहीं हूँ, ज़्यादा बात नहीं करी उनसे, अब चलते हैं थोड़ी बहुत देर बुआ जी के पास भी बैठेंगे चलते। तो गाइस ये हैं हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ, तो ये आई थी राखी बांधने के लिए, मेरी बहन तो कोई है नहीं, तो बुआ जी ने हमारी राखी बांधी है, और देखो किस तरह से आशीर्वाद दे रही है मुझे, ये बहुत प्यार करती है हमसे। तो अभी मैं जिम से आया हूँ, और आने के बाद अभी लेता हूँ ब्रेड और दूध, अभी खाता हूँ, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, तो करते हैं एंड। और बुआ जी किस तरह से प्यार करे जा रही है, हम भी बुआ से बहुत प्यार करते हैं अपनी से। तो हमारी 4 बुआ हैं, सबसे बड़ी वाली बुआ ये हैं, तो 3 बुआ हमने आपने मेरी देखी होंगी जागरण वाली वीडियो में, और ये नहीं आई थी उस टाइम, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी आई हैं ये। तो बुआ यू गो हाय। हाय हाउ आर यू? तो बोला हाय। तो गाइस गाइस करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, काफी लंबा व्लॉग हो गया, तो अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दबा देना बेटा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।